इट सेपरेट्स द टू लैंड मासेस और दो सीज को ज्वाइन करता है, दो लैंड मास को सेपरेट करता है और दो सीज को ज्वाइन करता है। जैसे कि पार्क स्ट्रेट है, ये कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये दिस पार्क स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये देखिए, दिस इज द पार्क स्ट्रेट, दिस वन, ये है पार्क स्ट्रेट। ये इट इज़ ज्वाइनिंग टू सीज, ये दोनों सीज और दो लैंड मास सेपरेट हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेट। एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड द बे ऑफ बंगाल एंड द बेरिंग स्ट्रेट, ये कहाँ पे, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को ये ज्वाइन करता है। अटलांटिक ओशन एंड द बेरिंग सी, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ये किसको ज्वाइन करता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को। नेक्स्ट इज लेगून। व्हाट इज लेगून, एट टाइम्स अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द सी। क्या होता है, मतलब शैलो होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, वो जो है वो कभी कभी सी से अलग हो जाता है, कोरल रीफ वगैरह की वजह से। सच अ बॉडी ऑफ वाटर विद अ नैरो ओपनिंग, इनकी ओपनिंग बहुत ही पतली होती है टू द सी, और ये कहाँ जाके गिरती है, सी में। इट इज़ कॉल्ड अ लेगून। द चिलिका एंड द पुलिकट लेक्स जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लेगून्स अलॉन्ग द, ये कहाँ पे है, दे आर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है। वाटर पोल्यूशन, नो ऑल ऑफ यू नो वॉट इज़ पोल्यूशन, कोई भी जब पोल्यूशन इज़ जब कोई भी डिसइनफेक्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं और पोल्यूटेड हो जाती है, उसमें ऐसे अनवांटेड मटीरियल्स आ जाते हैं तो इट गेट्स पोल्यूशन। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन भी है। वाटर पोल्यूशन इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ऑल ऑफ यू नो दैट वाटर पोल्यूशन इज नाउ डेज इट इज़ वेरी ऑन द हाई लेवल। आप सब जानते हैं वाटर इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड एसेंशियल इन ऑल द रेस्पेक्ट। बगैर पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता। ऑफ लेट वाटर पोल्यूशन हैज़ टर्न आउट टू बी अ सीरियस, आजकल ये एक इकोलॉजिकल थ्रेट बन गया है, डर बन गया है, डेंजर बन गया है टू द एंटायर वर्ल्ड। इन सिंपल वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मीन्स वाटर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, कंटेमिनेशन मीन्स गंदगी, गंदा हो जाना या उसमें इम्प्योरिटीज भर जाने को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। बन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव मैटर की वजह से फ्रेश पानी में ये सब पहुंच जाते हैं, ये सब चीज़ें, और या ओशन वाटर में, तो क्या करती है, डिग्रेड कर देती है क्वालिटी ऑफ वाटर को, डिग्रेड में मतलब ख़राब कर देती है उनकी क्वालिटी को। द एक्वाटिक लाइफ जो होती है, प्लांट्स लाइफ, एनिमल्स, सब वो जो है उससे अफेक्टेड होते हैं इस वाटर पोल्यूशन की वजह से। केमिकल टॉक्सिन्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, दे ऑल्सो फाइंड देयर वे इनटू द वाटर ड्यू टू नेचुरल रीजंस की वजह से, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक हैं, सुनामी हैं, मैन मेड कॉजेज भी हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, सीवेज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ऑयल स्पिल्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एज वेल एज द हीट जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज। सो ऑल दीज आर द कॉजेज फॉर द वाटर पोल्यूशन, आइदर इट इज़ नेचुरल और मैन मेड। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना बड़ा हाथ है, industries there were the one of the most prominent reasons for the water pollution. Earlier when men were limited and focused on primary activities, jab hua karti thi jaise ki agriculture aur ye sab, tab itna pollution nahi tha and manageable by the homeostatic mechanism of the earth. But industrialization jab se hua, it has increased the problem of water pollution bahut zyada, it has increased. Dirty water coming from various industries se jaate hain, they are discharged ho jate hain aur jaake wo kisme samudron mein ya nadiyon mein mil jate hain. And it goes to the oceans also. It causes threat to the fear. और जब ये आप सब जानते हैं कि rivers, lakes, they all are interconnected और जाके सब ocean में गिरते हैं, और जब ये ocean में गिरते हैं या वहाँ पर रहते हैं तो ये सारी गंदगी वहाँ पर या chemical जो भी कुछ जाता है सब वहाँ पानी में घुल जाता है, और उनके घुलने की वजह से जो aquatic animals होते हैं they also suffer. The aquatic life also suffer as well as the human health also. द फेमस मिनामाता डिजीज़ जो हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि एक लिक्विड थी मिथाइल मरकरी, ये यहाँ पे मिनामाता में एक जापान में जगह है उसमें, वहाँ पे ये इसका रिसाव हो गया था, ये वहीं पे जाके पानी में उस बे में मिल गई थी और उसी की वजह से वहाँ पे मिनामाता डिजीज़ हुई थी। इस डिजीज़ से जितने भी मतलब लोग थे जिन्होंने कि उस बे में रहने वाली मछलियों को खाया और वहाँ की जो मछलियाँ थी सब कुछ ये मरकुरी थी, एंड दे इससे बहुत सारी डेथ हो गई थी बिकॉज इट इज़ वेरी पॉइजनस। एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो है इससे भी इस ये कैसे वाटर पोल्यूशन को बढ़ा सकता है एग्रीकल्चर, इसलिए क्योंकि पहले जो था एग्रीकल्चर इसमें हम लोग ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज़ करते थे, बट नाउ इट इज़ वॉट इज़ बींग हैपन, आजकल लोग जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं और इंसेक्टिसाइड्स दे आर यूजिंग इन एग्रीकल्चर, एंड ऑल दीज पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स दे आर वेरी दे ये कैसे बनते हैं थ्रू केमिकल्स, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये बड़े ही हार्मफुल होते हैं।
अब ये कैसे पहुंच जाते हैं, जब हम पानी डालते हैं खेतों में, तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इन्हीं पानी में घुल जाते हैं, और ये पानी जब बहते बहते जब जहाँ भी जाता है या ज़मीन में चला जाता है नीचे, या नीचे जब जाता है तो वहाँ पे भी पानी है ज़मीन के नीचे भी, तो वो उसमें केमिकल्स जो होते हैं वो वहीं पे जाके उसमें मिल जाते हैं। और जब फिर ह्यूमन बॉडी उस पानी को कंज्यूम करता है, भाई अंडरग्राउंड वाटर ही तो हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी तरह, चाहे वो नल से आते हों, वेल से आता हो, किसी भी उससे। और इस तरह से ये जो केमिकल वाला पानी है वो हमारे अंदर पहुंच जाता है। डोमेस्टिक एंड हाउसहोल्ड वेस्ट, डेली वी यूज़ वाटर फॉर, हम लोग डेली यूज़ करते हैं फॉर न्यूमरस एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोज, बाथ, ब्रशिंग टीथ, वाटरिंग द प्लांट्स, क्लोज एंड मैनी अदर थिंग वी डू बाय यूजिंग द वाटर। एंड दिस जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर निकलता है डेली। इट कंटेन्स सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल वेस्ट। अच्छा, इसमें जो होते हैं कुछ वेस्ट होते हैं सॉल्युबल और कुछ नॉन सॉल्युबल। सॉल्युबल जो घुल जाते हैं पानी में, सोप्स एंड केमिकल्स दे मिक्सड इन वाटर मेक इट रिच इन केमिकल एंड पुअर इन ऑक्सीजन। ये लोग क्या करते हैं, पानी में मिल जाते हैं ये जो सोप्स और केमिकल्स होते हैं, और ये इसमें इनके जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है पानी में उनके उस अमाउंट को वो कम कर देते हैं। एंड वाटर कमिंग थ्रू सीवेज इज यूजली डिस्चार्ज इन टू द फ्लोइंग रिवर। और जो सीवेज से पानी आता है वो जाके किस में गिरता है, सारा पानी जो है वो जाके किस में गिर जाता है, ये गिरता है रिवर में। एंड दे ऑल क्रिएट हैवॉक टू द वाटर एनिमल्स। और ये सब जो है वो एक डेंजरस हो जाते हैं फॉर द वाटर एनिमल्स के लिए। इंक्रीज द बीओडी दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर एंड मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर एनी अदर यूज। इसीलिए द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी बिफोर इट्स डिस्चार्ज इनटू द रिवर और द सी। इसीलिए इनको सी और रिवर में मिलने से पहले इनका मतलब ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा एसटीपी सुना होगा। व्हाट इज़ एसटीपी? एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसीलिए जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे क्या होता है, पहले सीवेज का पानी जो है वहाँ पे जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, तब फिर उसको नदियों में छोड़ा जाता है। केयरफुल स्टेप्स एंड प्रोसेसेस शुड बी अडॉप्टेड एंड द लॉज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। कई सारे हमको मतलब जो लॉज बने हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, वी शुड फॉलो देम। द टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट और सिटी ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको प्रॉपर होना चाहिए, उनको प्रॉपरली दे शुड बी ट्रीटेड एंड इन टू द वाटर एंड रिजर्वर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पोल्यूटिंग द वाटर एंड इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर मैन। और हमको इस चीज़ का इंश्योर करना चाहिए कि वो पानी जो हमको पीने के लिए आता है उसको पहले, उससे पहले उसका पूरा सा ट्रीटमेंट हो चुका हो, वो साफ़ हो चुका हो, फिल्टर्ड हो गया हो, देन वो हमारे लिए पोर्टेबल वाटर। व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर विच वी कैन ड्रिंक? ऑयल स्पिल्स। व्हाट इज़ ऑयल स्पिल्स? ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है ऑयल का फैलना, रिसाव, बह जाना। ऑयल का कहाँ पे बहता है? क्या तेल ऐसे छोड़ देते हैं पानी में? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ते। ऑल ऑफ़ यू नो दैट ये जो पेट्रोल, डीजल, ये सब जो निकलते हैं इनके, ये सब जो तेल है, ये तेल कहाँ से आता है? ये सब सी, ओशन, इन बेड्स से, इनके नीचे तले से, सब सतह में, बेड्स में ये सब है, वहीं से इनको डिग किया जाता है। ऑयल स्पिल्स डू नॉट ऑकर ऑन अ रेगुलर ये बेसिस पे नहीं होता। व्हेन सच एक्सीडेंट्स हैपन दे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर कभी ऑयल स्पिल्स, हमेशा तो नहीं होते लेकिन होते हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होता है और ये कई सालों तक इनका डैमेज बना रहता है, और इससे जो होता है कई तरह की मैरिन लाइफ जो है वो मर जाती है। जो अब तक ऑयल स्पिल्स हुए हैं, एक अरेबियन गल्फ में हुआ था, कुवैत में जैन 1991 में, इन पर्शियन गल्फ 380 to 520 मिलियन गैलन्स ऑयल वहाँ पे फैल गया था पूरे उसमें गल्फ में। गल्फ ऑयल स्पिल April 22, 2010 में मैक्सिको में था, इसमें 206 मिलियन गैलन्स ऑयल बह गया था। वन टॉक्स वन ऑयल स्पिल June 3, 1979 बे ऑफ कैंपेन में, इसमें मैक्सिको में 140 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल स्पिल हुआ था। नाउ नेक्स्ट पोल्यूशन इज विच टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन इज देयर? इट इज थर्मल पोल्यूशन। व्हेन वार्म और हॉट वाटर इज रिलीज्ड इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से जब ये निकलता है एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज से निकलता है, द टेम्परेचर ऑफ द नेचुरल बॉडी इज रेज्ड। तो जो वाटर का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका, जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस प्लांट लाइफ एंड कॉजेज लार्ज स्केल डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल से आप सब जानते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटम बम्स वगैरह, और ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज़ किया जाता है, एंड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, साइंटिफिक प्रोसेसेस के लिए।
अगर इनका सही से डिस्पोजल हम लोग नहीं बनवाते हैं और इनको नहीं यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को, तो इसका जो है बहुत सारे बहुत ही मतलब बुरे इफ़ेक्ट, बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट इसके पड़ते हैं ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट. सो चिल्ड्रन, दिस ऑल फॉर टुडे. वी हैव फिनिश्ड ऑफ द चैप्टर वाटर बॉडीज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आर देयर, वॉट इज़ वाटर पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी prevent the water from being polluted. And see, this is the mind map of the chapter. I'll send you the pic. You have to make this mind map of the chapter, types of water bodies, causes of water pollution. See here, industrial, agriculture, domestic, oil spills, thermal and radioactive, and types. Isme ocean, seas, river, lakes, other bodies. Other bodies mein gulf and bay, strait and lagoon, and seas mein marginal seas and inland seas, and oceans mein how many oceans are there? 5 main oceans, the name of the 5 main oceans are there. And after that, these are geoterms, you have done it. So, thank you children. I hope that you have understood the chapter very well. Thank you.